राज्यसभा में भी हैदराबाद गैंगरेप का मुद्दा उठाया गया है। गुलाम नबी आजाद ने हैदराबाद गैंगरेप का मुद्दा जो है राज्यसभा में उठाया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। जनता दोषियों को सबक सिखाए, ये कहना है जया बच्चन का। सांसद जया बच्चन ने कहा है कि दोषियों की सार्वजनिक लिंचिंग होनी चाहिए। तो एक तरीके से जया बच्चन ये कह रही हैं कि डर कैसे बैठेगा लोगों के बीच में कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, तो सजा जो है सार्वजनिक तौर से दी जाए और लोग जो है वो इंसाफ करें। डर बैठना चाहिए ऐसे दरिंदों के मन में कि अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह की दरिंदगी करेंगे, तो चाहे वो लड़की के साथ, वो लड़की को जला क्यों ना दिया गया हो, वो बच नहीं सकते। ये डर लोगों के दिल में होना चाहिए, ऐसे दरिंदों के दिल में होना चाहिए। क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने, जया बच्चन ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. सर मैं, मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हैदराबाद में हुई उसके पहले दिन भी उसी जगह एक हादसा हुआ। क्या वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको भी पता है, डू यू नॉट थिंक दैट दे शुड बी आंसर्ड, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी आस्क्ड टू गिव एन आंसर व्हाई दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट एरिया, जहाँ पहले भी एक चीज, एक दिन पहले हादसा हो चुका था। सर आई थिंक दैट these people need to be shamed in front of the entire country, people who have not done their jobs properly, the of course the guys who have committed the crime, definitely right ma'am. agar aisa is tarah ki cheeze kuch countries mein hoti hain, wahan public isko justice deti hai. mera suggestion hai, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. Right, ma'am.